हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं टीम ईपीएसआई और एएसआई की जो आपकी वैकेंसी है, कॉन्फिडेंशियल लिपिक और आपका अकाउंट को लेकर के, इसके जो आपके 1277 पद हैं उसके लिए निःशुल्क बैच चला रही है। तो उसी बैच में मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लासेज उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसमें जितने भी आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उस सारे पाठ्यक्रम को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि टीसीएस अपने पैटर्न पर अगर आई तो वह कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेगी जो कि उसने मेंशन किए हैं। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी आपने देखा है कि उसमें हिंदी के किस तरीके से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आज मैं उन्हीं पर चल रहा हूं, और सबसे पहले मैंने हिंदी व्याकरण का जो चौथा स्तंभ तो नहीं कह सकते, ठीक है, हिंदी व्याकरण में ही आपका इसमें शामिल है छंद शास्त्र। तो छंद शास्त्र पर हम लोग इसके तहत बात कर रहे थे कल। मैंने रस के अंगों और सिलेबस वगैरह पर परिचर्चा की है, वो पहली क्लास थी, उसको आप लोग देखिए तो ज्यादा फायदा मिलेगा। आज उसी से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपके हित मित्र हैं सभी को इन क्लासेस के बारे में बताइए कि आपको निःशुल्क जितने भी आपके विषय हैं सभी विषयों की बहुत अच्छी व्याख्यात्मक जो है क्लासेज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे एक गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध होगी, पूरे के पूरे मटेरियल। अगर आप हर दिन की क्लासेज की पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो आपको हर दिन की क्लासेज की पीडीएफ मिल जाएगी, इन पर आधारित क्विजेज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी क्लासेज का संचालन होगा, और इसमें हम पूरी तरीके से आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूरी ईमानदारी से टीम मेहनत करती है। आप लोगों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि जो मार्ग हम आपको दिखाएंगे उस पर आप पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब तैयारी आपकी पहले से की गई हो और उस पर काम करिए। सफलता तो 100% आएगी अगर आप ईमानदारी से लगे हैं, और ये वैकेंसी भी आपकी आनी है, क्योंकि ये अधियाचन अगर विभाग से जो है आपका नोटिफाई हो जाता है तो वहां पर स्पष्ट हो जाता है, उसने साफ तौर पर विभाग ने लिखा है कि मुझे प्राप्त हुआ है, ये विज्ञप्ति मैं निकालूंगा, अब इसी सप्ताह आ जाए या अगले सप्ताह आ जाए इसमें कहा नहीं जा सकता। आप लोगों को अपनी तैयारी पर धार देनी चाहिए, क्योंकि लगभग 4 से 5 महीने, 5 महीने तो मिनिमम आपके पास है, तब तक हम पूरे सिलेबस को बहुत विधिवत ढंग से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस अच्छी करवा देंगे, और जब पढ़ाई होगी प्रैक्टिस होगी तो जाहिर सी बात है जब एक दिशा में चलोगे तभी तो सफलता है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। इसमें कल की क्लास जरूर देख लेना, और चैनल को जो है वो बेल आइकन जो होती है उसको जरूर पुश कर देना ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम की लिंक है उससे जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, हर जगह आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन, ठीक है, पीडीएफ की सारी चीजों के बारे में, इन सभी को आपको मिलता रहेगी इंफॉर्मेशन। देखिए आज का जो हमारा पॉइंट है, कल ही मैंने इस चीज को शुरू किया था लेकिन आज इस पर जो है विधिवत हम लोग पर चर्चा करेंगे, तो सारे लोग बहुत कंसंट्रेट हो जाएं और अपने आप को, ठीक है, पूरी तरीके से यहां जोड़ लें, क्योंकि पढ़ाई जब तक पूरे मन से नहीं करेंगे, ठीक है, देखो दिमाग एक ही क्षेत्र में काम करता है, चाहे जिस क्षेत्र में आप रहिए, मर्जी हो पढ़ाई में ले आइए, मर्जी हो जो दुनियादारी कर रहे हैं उसमें रखिए, या मर्जी हो दिन भर सोशल नेटवर्किंग इन सब में बिता दीजिए। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल ही यह पॉइंट था, रस के बारे में हम पढ़ रहे थे। रस यानी सेंटीमेंट्स, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंटीमेंट्स। रस की परिभाषा जितने आपके अलग अलग आचार्यों ने दी है, अलग अलग मुनियों ने दी है, उनके अनुसार रस जो है यह काव्य की आत्मा है। अगर किसी आप काव्य को पढ़ रहे उसके पढ़ने या सुनने से जो आपको आनंद प्राप्त होता है वह ही रस है। ठीक है, रस काव्य की आत्मा है। इसमें बहुत सारे ऐसे आचार्य आपके विश्वनाथ हैं, आचार्य जगन्नाथ हैं, आचार्य मम्मट हैं, आचार्य भरत मुनि हैं, इन सभी के द्वारा रसों को लेकर के जो अलग अलग परिभाषा है, ठीक है, अलग अलग इनका अपना रसों को मानने की भी संख्या है, उन्हीं को लेकर चलते हैं। रसों की संख्या जो मानी जाती है, अगर इसमें बात करें कि रस कितने हैं तो रसों की संख्या 9 है, ठीक है, लेकिन मैं आपको 11 रसों के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि 2 रस और भी आपके माने जाते हैं जो बाद में जुड़े हैं इसमें, ठीक है, जिनको रसों की संज्ञा दी गई और उनको माना गया। मूल रूप से आपसे पूछता है रसों की संख्या कितनी है, तो आप टिक करेंगे, जवाब जो देंगे वह रसों की संख्या 9 है। तो पहला सवाल यहीं से आपका बन जाता है, ठीक है,
कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो रसों की संख्या भैया 9 होती है। पहला प्रश्न आपका यहां से बनता है। अब 9 रसों में हम दूसरा जो प्रश्न पूछता है वह एक उदाहरण दे देगा और आपसे कहता है इसमें कौन सा रस है वो पहचानना होता है। तीसरा जो प्रकार बनता है, मतलब रस से तीन तरीके के जो आपके प्रश्न बनते हैं टीसीएस के पैटर्न में जो देखने को मिला है उत्तर प्रदेश एसआई को लेकर के, ठीक है, इसमें प्रश्न के जो प्रकार आपसे पूछे जाते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। प्रश्नों के जो प्रकार बनते हैं या तीन प्रकार के बनते हैं, एक तो सीधा सीधा मान लीजिए परिभाषा से पूछ लिया, रस की परिभाषा हो गई, ठीक है, इसके भेद हो गए, या इसके जो अंग मैंने कल बताया कि रस के चार अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। इन सबसे सवाल पूछ लेता है कि विभाव अनुभाव की संख्या क्या है, अनुभाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, आश्रय विभाव क्या होता है, इन सबसे पूछ लेता है आलंबन उनको लेकर के। तो पहले तरीके का प्रश्न ये बनता है। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है वह यह पूछता है कि आपको एक उदाहरण देगा और उस उदाहरण को हमें पढ़ के ये बताना होगा कि उपरोक्त में कौन सा रस है, ठीक है। उदाहरण को देने के बाद आपसे पूछेगा कि उपरोक्त में कौन सा रस है, उसी को हमसे जो है छांटना होगा। तीसरा जो प्रकार इसमें बनता है, तीसरा प्रकार जो आपका बनता है वह यह होता है कि आपसे पूछेगा कि करुण रस या आपका कोई भी है, मतलब हास्य है, प्रेम है, इन सभी का आपसे अस्थाई भाव पूछता है। तो रस से बनने वाले प्रश्नों की जो प्रकृति है वह प्रकृति तीन प्रकार की है। एक तो सीधा सीधा रस के अव्यय, रस की परिभाषा, रस के भेद, रस के अंग, इनसे सवाल का पूछा जाना। दूसरा उदाहरण दे करके उसमें रस की पहचान करना। और तीसरा जो होता है किसी भी रस का अस्थाई भाव ज्ञात करना, ठीक है, पता करना। तो इन तीनों टाइप को हम कैसे, इस पॉइंट को कल हमने जो है कवर किया था पूरी तरीके से, कल वाला व्याख्यान आप लोग देख लीजिए, उसमें ये सारे बिंदु आपके शामिल हैं, जो कुछ पूछा जाता है जहां से पूछ सकता है वह सब कुछ मैंने बताया है। और ये आज हम लोग इसको और इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हेडिंग आप डाल दीजिए रस, ठीक, और उसमें उसके नीचे रस के भेद या रस के प्रकार। रस के प्रकार मैंने बताया कि 9 माने गए हैं। अब इन 9 में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। भरत मुनि ने 8 रस बताया, हालांकि किताबों में 9 रस उनसे मिलता है कि भरत मुनि के अनुसार 9 रस हैं, ठीक है। उसके बाद भरत मुनि, ये भी आपको लिखा मिलेगा कि भरत जो मुनि है इन्होंने 8 रस की बताया। फिर आचार्य जगन्नाथ और आचार्य विश्वनाथ जो है मम्मट की बात आएगी, तो उन्होंने रसों की संख्या 9 मानी। उसके बाद फिर अन्य आचार्य आ जाते हैं जिन्होंने भक्ति रस को भी इसमें शामिल कर लिया, तो 10 हो गई। फिर एक और आचार्य आते हैं। तो अब हम बात करते हैं रस के प्रकार की। रस के प्रकार में जो आचार्य भरत मुनि हैं इन्होंने रस में नाटकीय ढंग को समझा था कि अगर कोई काव्य है उस पर नाटक का आयोजन होता है, तो रस के जो भेद इन्होंने बताए वो नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का इन्होंने उल्लेख किया, ठीक। उनमें कौन कौन से रहे, श्रृंगार हो गया, श्रृंगार की सही वर्तनी यही है, इसको भी ध्यान रखना। आप लोग ये वाला पढ़ते हैं ना कि ये श्रृंगार होता है, ये श्रृंगार आपका गलत होता है। अब कंप्यूटर में ऐसा कीबोर्ड नहीं होता है जिससे इस श्रृंगार को लिखा जा सके, इसलिए ये श्रृंगार आपको हर जगह वर्तनी के तौर पर दिखता है। श्रृंगार आपका ये सही वर्तनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हास्य हो गया, करुण हो गया, रौद्र हो गया, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, ये 8 बताए थे इन्होंने नाटकीय ढंग में आचार्य भरत मुनि ने। अब बात आती है आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ इन्होंने रसों की संख्या 9 मानी है, और यही 9 जो है सर्वमान्य है। 9 जो ये रस हैं यही सर्वमान्य है, इनकी जो रचना मानी जाती है, इनके प्रकार जो माने जाते हैं। आपसे सवाल पूछेगा तो आप उत्तर 9 रस देंगे कि हिंदी व्याकरण में रसों की संख्या 9 है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया, इसमें अद्भुत के बाद एक रस शांत को भी शामिल कर लिया, तो रसों की संख्या 9 पहुंच जाती है, और इन्हीं 9 रस का हमें अध्ययन करना होता है, ठीक है। 9 रसा को बाद में आचार्य विश्वनाथ आए, इन्होंने वात्सल्य रस को भी रस की संज्ञा दे दी, ठीक है। 10वां रस माना किसने, आपके आचार्य विश्वनाथ ने। मान लीजिए कभी आपसे सवाल भी पूछे कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो वहां पर भी आप जवाब 9 ही देंगे। यहां नाटकीय ढंग से लिखा है, कई जगह आपको 9 मिलेगा, और 9 सर्वमान्य माना जाता है। अगली चीज, रूप स्वामी
अगर देखें रूप स्वामी आचार्य को, तो इन्होंने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, और मधुर को हम किस में जोड़ते हैं, इसको भक्ति रस के अंतर्गत रखते हैं जो नाम है। तो रसों की संख्या अब 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11 पहुंच जाती है। ये अलग अलग आचार्यों का जो उल्लेख है उन उल्लेखों के बारे में कहा। तो अगर रस की व्यापकता को देखें तो इसमें 11 आपके भेद होते हैं, उन्हीं भेदों को हमें समझना है। तो अब अगली हेडिंग आप इसमें लिख सकते हैं कौन कौन से आपके रस हैं। रस के बाद हमें अस्थाई भावों को जानना होगा कि किस रस में कौन सा अस्थाई भाव आता है। यहां पर लिखा है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। ये 11 विभेद आपके रसों के होते हैं, और इन्हीं 11 के बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे कि 11 रसों में उदाहरण क्या है, किसको कैसे पहचानना है, किसी रस के क्या खास विभेद हैं, उन विभेदों को भी हम पढ़ेंगे, उदाहरणों के माध्यम से हर एक चीजों को जानते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिए श्रृंगार रस की, पहली हेडिंग आपकी आएगी श्रृंगार रस। ठीक है, अब श्रृंगार रस में अगर हम देखें कि इसमें आखिर श्रृंगार बोलने के पीछे आशय क्या है, जहां पर आपको नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बारे में वर्णन होता है, ठीक है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। बहुत साधारण सी परिभाषा है। इसका जो अस्थाई भाव होता है श्रृंगार रस का, यह रति होता है। इसका अस्थाई भाव बहुत बार पूछा है, इसका अस्थाई भाव रति या प्रेम होता है। तो आप लिखेंगे परिभाषा में कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम है। जहां पर नायक या नायिका या प्रेमी या प्रेमिका के मिलन के बारे में वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब मिलन है, ठीक है, मिलन ऐसे भी होता है जहां पर मारपीट की नौबत भी आ जाती है, मतलब आजकल जो चलता है कि तुरंत मिलना तुरंत छूटना, तो जहां पर छूटने वाला मिलन हो गया, ठीक है, वहां पर इसका विभेद बन जाता। तो श्रृंगार रस के दो विभेद बनते हैं आपके, एक संयोग श्रृंगार बनता है और दूसरा वियोग श्रृंगार बनता है। ठीक है, एक में जहां पर आपका वर्णन हो, कहां पर प्रेम का वर्णन हो, वो चीजें हैं, पहली बार मिल रहे, दूसरी बार जो भी है, लेकिन उसमें अनबन नहीं हुई है, ऐसी चीजों का जहां वर्णन होता है, और एक दूसरा जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें मारपीट का वर्णन होता है। अब श्रृंगार रस जो है, अगर आचार्य भोजराज को यहां पर देखें तो आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। दूसरा प्रश्न आपका यहां से बनता है कि रसराज किस रस को कहते हैं। ठीक है, जैसे आपसे विज्ञान में पूछता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, वैसे यहां पर है रसराज किसे कहते हैं, श्रृंगार। श्रृंगार रसों का राजा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति अस्थाई भाव कहते हैं। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है या उसका आस्वादन हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस बोलते हैं। समझ गए, श्रृंगार रस सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, इसीलिए इसके दो विभेद बनते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा आपका होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार की अगर परिभाषा देखें, जहां नायक और नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वह संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है कि चितवत चकित चहूं दिसि सीता। उदाहरण आपके सामने लिखा है, चितवत चकित चहूं दिसि सीता, कहे गए नृप किशोर मन चीता। ठीक है, अब यहां किसी मिलन के बारे में, वहां के जो आसपास के वातावरण है, उन सारी चीजों के बारे में, नायिका के जो हाव भाव हैं, उन सारी चीजों के बारे में वर्णन किए गए हैं। यहां पर जो है ये किसी संयोग या मिलन के बारे में पूरे व्याख्यान को दर्शा रहा है, इसलिए क्या है, यह आपका श्रृंगार, संयोग श्रृंगार की व्याख्या को दर्शाता है। अगली चीज, दूसरा अगर इसमें बात करें, अब ये जो चीजें हैं पूरी की पूरी बात कही गई जिसके बारे में, ठीक है, राम और सीता का जहां मिलन होता है, उन चीजों के बारे में पूरा लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें जब आप देखेंगे सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है, वह रति नामक अस्थाई भाव है, रति यानी प्रेम। दूसरी बात, राम और सीता आलंबन विभाव, लतादि उत्तीबन विभाव, देखना देह का भारी होना आदि अनुभव है, तथा हर्ष
उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं और यहां पूर्ण संयोग श्रृंगार है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से संयोग श्रृंगार है। मतलब जो कुछ यहां वर्णन किया गया है पूरी चीजों को आप पढ़ेंगे, श्यामल गौर किशोर सुहाए थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन हूं परिहरि निमेश अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद शिशि जनु चित चकोरी, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। यहां जो वर्णन पूरा किया गया है कि एक राम सीता को देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले वहां पर जो लता दी जैसे बदन है, शरीर है, वो लताओं के जैसे है, शरीर भारी लग रही है, ठीक, ये सारी चीजें जो आकर्षण के बारे में यहां बताया गया है। अब इसमें जो चीजें हैं, जो कहा जा रहा, जिस चीज को दर्शाया जा रहा, उसमें अलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, देह का भारी होना यानी अनुभाव, हर्ष या उत्सुकता, ये सब संचारी भाव हैं। इन सभी के संयोग से एक रस की निष्पत्ति होती और वह रस आपका संयोग श्रृंगार है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, आखिर वियोग या बी प्रलभ श्रृंगार किसे कहते हैं। इसको बी प्रलभ भी बोलते या फिर वियोग श्रृंगार बोलते हैं, दोनों इसके नाम दर्ज किए जाते हैं। अब पहले में तो हो गई कि जहां पर संयोग या मिलन की अवस्था हो, और दूसरा जो यह बनता है जहां नायक नायिका के प्रेम का वर्णन वियोग की अवस्था में होता है, वहां वियोग या विप्रलभ श्रृंगार होता है। समझ गए? जैसे कहो राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता, नूतन किसले मनोह कृषानु, काल निशा समनिश शिभानु, कुलह विपन कुंत बन सरिषा, वारिद तपत तेल जनु वर्षा। मतलब यहां पर जो चीजें वर्णन की गई हैं वो सारी की सारी क्या है तो आपके प्रेम को दर्शाने की, लेकिन वियोग का वर्णन हो रहा है। राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वह रति स्थायी भाव, राम आश्रय सीता आलंबन प्राकृतिक दृश्य जो है, उद्दीपन विभाव, कंप पुलक अश्रु, ये सब अनुभव है और विषाद हो रहा है। ठीक है, विषाद है, ग्लानि है, चिंता है, दीनता है आदि, ये सभी संचारी भाव है। इसलिए यहां पर पूर्ण रूप से आपको वियोग जो है श्रृंगार के बारे में वर्णन मिलेगा। ठीक है, अब ये भी चीज है, यहां के बाद आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के मथुरा के वियोग के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी रचनाएं हैं, वो सबसे भी उदाहरण यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, वियोग श्रृंगार में खासकर। अगली चीज आती है हास्य रसितो यथा नामे यथा गुणे को यह परिभाषित करता है, यानी जहां पर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को पढ़ने सुनने विकृत वेशभूषा है देखना है, क्रियाकलाप कोई ऐसी हो रही, चेष्टा या वाणी देख सुनकर जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है, विनोद का अर्थ होता है आनंद, ठीक है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछता है। अब देखिए, जेह दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहना बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हरिगुण मुस्काही। इसमें देखिए अस्थाई भाव हास है, आलंबर वानर रूप में जब नारद है, इसको आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा कि नारद जी एक बार सुंदर बनने की चेष्टा कर रहे थे, तो विष्णु भगवान से उन्होंने कहा था, तो उन्होंने नारद को रूप क्या दे दिया था, वानर का रूप दे दिया था। तो वही चीजें हैं यहां पर कि नारद को जो लोग देख रहे, श्रोत जो आश्रय हैं वो दर्शक हैं, मतलब जो देख रहे नारद के उस रूप को, श्रोता उद्दीपन, नारद की आंगिक चेष्टाएं जैसे उकसाना हुआ, कुलाना हुआ, बार बार स्थान बदलकर बैठना हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें देखकर क्या होती है, हंसी उत्पन्न होती है, और इससे जो अस्थाई भाव है वह हर्ष है या चपलता है या उत्सुकता है, वह का उसका जो है उत्पन्न होना होता है, और यहां पूर्ण रूप से आपको हास्य रस मिलता है। ठीक है, ऐसे एक उदाहरण इसमें पूछता है, तबला बैठे मंच पर, ठीक है, तबला लेकर बैठे मंच पर, इस तरीके से उदाहरण है, और बहुत सारे हैं इसमें, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन आप यहां पर सीधा पढ़ के समझ के आप उसका उत्तर दे सकते हो। दो तीन है जहां कंफ्यूजन होती है, वहां पर हम बात करेंगे। तीसरा आपका विभेद होता है करुण, नाम ही है करुण। देखो, दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है, सारे लोग जानते हैं, सभी ने महसूस किया होगा, ठीक है,
यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धनाभाव की ओर प्रेरित कर देती है, जिसे दुख हुआ ठीक। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। अब यहां जो हमें बात करनी है कि जहां पर इष्ट वस्तु की हानि हो गई, जो बहुत प्रिय वस्तु है उसकी हानि हो गई, अनिष्ट वस्तु का लाभ हो गया, जो हम नहीं चाहते वो चीज मिल गई, प्रिय का चिरवियोग हो गया, अर्थ हानि हो गई, मुद्रा हानि हो गई आदि से जहां शोक भाव की परिपुष्टि होती वह करुण रस होता। इसका अस्थाई भाव शोक है। करुण रस वहां होगा जहां शोक नामक अस्थाई भाव आपका निष्पत्ति होगी इसकी। जैसे शोक विकल सब रोम ही रानी, रूप सील बल तेज बखानी। सारी रानी एक तरफ से रो रही और रोते समय सील बल तेज के बारे में बखान भी कर रही हैं। कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि गति बारम्बारा। अब यहां पर क्या है, कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, किसी राजा की मृत्यु हो गई है और जो दशा है कि वहां पर रानियां लगातार रो रही हैं, उनके उस राजा के रीप जो है बल सौर्य इन सभी के बारे में वर्णन करते हुए रो रही हैं और कर ही विलाप अनेक प्रकारा, अनेक तरीके से वो विलाप कर रही हैं, साथ ही साथ उसके साथ पर ही भूमिगत बारम्बार बार बार जमीन पर वो गिर रही हैं ठीक। तो यहां पर जो पूरा परिदृश्य आपको समझ में आ रहा है, यह परिदृश्य जो वर्णित है, यह राजा दशरथ के मृत्यु का पूरा वर्णन किया गया है। अस्थाई भाव आपका शोक है, दशरथ आलंबन है जिसे देखकर सारी रानियां रो रही हैं, साथ ही साथ रानियां आश्रय हैं और राजा का रूप तेज बल ये सब उद्दीपन है, इसी के लिए तो वो रो रही हैं। इन चीजों को आपको समझना है। अगली बात, विलाप करना यहां अनुभव है और ये सबित मोह उद्वेग कंप आदि जो है ये संचारी भाव है और इस वजह से यहां पर करुण रस उत्पन्न होता है। अब हम आगे बात करते हैं वीर रस के बारे में ठीक है। वीर रस भारत के जितने राजा महाराजा थे ये पहले अपने यहां दरबारी कवियों को रखते थे, तो जब इनको लड़ना होता था, जब इनको लड़ने जाना होता था तो ये अपने कवियों को एक साथ रखते थे ठीक है, ताकि उनसे वो क्या कर सके, जब युद्ध के मैदान में वो जाएं तो वहां पर राजा के बल को शौर्य को युद्ध के बारे में लड़ने को उनसे पहले की पूर्व विजय को वो लोग बताते थे ठीक है। फिर राजा में जोश चढ़ता था और वो युद्ध लड़ते थे। तो ये जो वीर रस है, वीर रस ऐसी कोई कविता, ऐसा कोई काव्य आप सुन रहे हैं जहां से आप में ठीक है एकदम रोए खड़े हो गए, हाव भाव बदल गया, आंखों की लालिमा आ गई, हर एक चीजें जहां पर आपकी क्या हो एकदम आपको वीरता से ओजपोर जो है उत्प्रेरित कर दें, वहां वीर रस होगा। ऐसे किसी काव्य को पढ़िए, यानी युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह अस्थाई भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता वह वीर रस है। तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। अगली चीज, जो उत्साह अस्थाई भाव जब विभाव अनुभव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता, चख लिया जाता, तो वो वीर रस होता है। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे जब मान लीजिए अभिमन्यु चक्रव्यूह का रचना होती है तो वहां पर कुछ बातें आती हैं, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। आगे लाइनें क्या हैं, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथे हैं द्रोण क्या अरवे स्वयं देवेंद्र भी, वह भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। अभिमन्यु की ये लाइनें हैं, क्या है, जब वह युद्ध के लिए जाता है तो बोलता है हे सखे हे मित्र मुझे सुकुमार मत समझो, मुझे बालक मत समझो ठीक है। अगर यमराज से भी युद्ध करना हो तो मुझे हमेशा वहां मौजूद समझो, मैं उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हूं। हे सारथे हैं द्रोण क्या, मतलब द्रोणाचार्य क्या है मेरे सामने, आवे स्वयं देवेंद्र भी, अगर आज इंद्र भी मेरे सामने उतर आए तो वह भी न जीतेंगे समर में, मतलब युद्ध में वो भी मुझसे जीत नहीं सकते आज क्या मुझसे कभी ठीक है। मतलब अभिमन्यु जो लाइनें बोलता है उसका जो सारथी है उससे वह ये बातें बोलता है ठीक है,
कि मैं अब सुकुमार बालक नहीं हूं, आज यमराज भी मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उनसे लड़ने को तैयार हूं। और द्रोणाचार्य क्या, देवेंद्र भी इस पृथ्वी पर, इस धरा पर उतर आए, तो वह भी आज मुझसे समर में जीत नहीं सकते। ये जो लाइनें हैं, इसको जब आप सुनोगे तो आप में भी उत्साह जागृत होगा। ठीक है, यहां उत्साह जो है, आश्रय आलंबन देखें, अलग अलग चीजों को देखें, तो अस्थाई भाव उत्साह है, आश्रय अभिमन्यु है, आलंबन द्रोण है या कौरव पक्ष है, अनुभव अभिमन्यु के वचन है, और संचारी भाव गर्व हर्ष उत्सुकता है। अभिमन्यु जो बोलता है उसमें गर्व झलकता है, उत्सुकता झलकती, कंप झलकता, मद झलकता, मद यानी अभिमान, आवेग झलकता है, उन्माद झलकता है, ये सभी के सभी मिलकर वीर रस की परिपुष्ट करते, और यहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। आगे बात करते हैं रौद्र। ठीक है, रौद्र रस क्या है? रौद्र का स्थाई भाव क्रोध है। ठीक है, जब विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह विभाव अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर किस रस की निष्पत्ति करता? वह रौद्र रस की निष्पत्ति करता है। ठीक है, यानी जहां अपमान हो गया या अपकार हो गया, वहां पर आपके अंदर जो ज्वाला धधकती है, उसका बदला लेने के लिए वह रौद्र रस है। ठीक है, एकदम आंखें लाल, अब यही निपटा देंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं दिखता, और इसी में व्यक्ति निपटा भी देते हैं। जैसे माखे लखन कुटिल भई भौं हैं, ये बात हो रही है जब परशुराम जी पहुंच जाते हैं अपने हथियार को लेकर के, कि शिव धनुष किसने तोड़ा, तो वहां बोल ये लाइनें लिखी हैं कि माखे लखन कुटिल भई भौं हैं, रदपट फरकत नयन ऋषौं हैं, कह ना सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुवान, नाय राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रणाम। अब यहां पर जो बात हो रही है कि परशुराम जी आकर पूछते हैं कि मेरे शिव धनुष को किसने तोड़ा, मेरे आराध्य भगवान शिव का यह धनुष था, इसको तोड़ने का क्या इसको साहस हुआ? तो वो इसमें लक्ष्मण जी को जानते ही हैं, इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा था, उनकी भौहें कुटिल हो जाती हैं, भौहें चढ़ जाती हैं, जब आप किसी से बहुत गुस्सा होते हैं तो भौहें एकदम तन जाती हैं, तो उसी अवस्था का यहां पूरा वर्णन किया गया है, एकदम आंखें निकल आती हैं, एकदम पूरी तरीके से उनके जज्बात जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। और यहां पर जो चीजें बताई गई हैं, अस्थाई भाव क्रोध है, आश्रय लक्ष्मण, आलंबन जनक के वचन उद्दीपन, ठीक है, उन सारी चीजों को लेकर के है, और नेत्र, इन सबको, मतलब ये उससे पहले का वर्णन है। एक प्रसंग यहां पर भी आता है जब आपके, ठीक है, परशुराम जी आते हैं और वो तमाम तरीके की बात करते हैं, तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहां कुहड़ बतिया को नाही, मतलब यहां पर कुहड़ा और लौकी जैसे कोई लोग नहीं है कि आप चाहेंगे तो फरसे से काट देंगे, उस कहीं आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगला छठा रस है भयानक। अब रौद्र और भयानक में अंतर है, भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। ठीक है, और यही भय जब अस्थाई भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होता है, तो वहां भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो रौद्र रस में क्रोध होता, और भयानक रस में कोई ऐसी घटना, एक ऐसी वस्तु देख लिया, सुन लिया, ठीक है, या प्रबल शत्रु के विद्रोह से जो भय उत्पन्न हो गया, भय का संचार हो गया, वह भयानक रस होता है। ठीक है, जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराए। ठीक है, आगे बात पढ़िए, विकल बटोही बीच ही, परे मूर्खा खाए, ये आपने सुनी होगी, ठीक है, इसको पढ़ा भी होगा। इसमें जो वर्णन किया गया है कि एक तरफ अजगर बैठा है और दूसरी तरफ मृगराय बैठा है, मतलब शेर बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है, विकल बटोही बीच ही, दोनों के बीच में जो व्यक्ति है वह मूर्छा खार के गिर जाता है। भाई किधर भागे, एक तरफ अजगर बैठा, दूसरी तरफ मृगराज बैठा है, शेर बैठा है, तो आप भाग भी तो नहीं सकते हो, तो वो बीच में मूर्छा खाकर, मतलब भय के वजह से देख रहा है कि अब बचने की कोई आशंका नहीं है, तो वो यहां जिस हालत में मूर्छित होकर गिरता है वह भय रहती है। तो यहां जो अस्थाई भाव है, यात्री आश्रय है, अजगर और सिंह आलंबन है, ठीक है, उन्हीं को देखकर तो रस
उत्पन्न हुआ, संचारी भाव जगा और जो भयावह आकृतियां हैं उनकी चेष्टाएं हैं, ये उद्दीपन है, मूर्छा आना अनुभव है और आवेग निर्वेद दैन्य शंका व्याधि त्रास अपस्मार, ये सब क्या है? ये संचारी भाव। अब विभत्स रस के बारे में पढ़ते हैं। विभत्स और भयानक में अंतर है, इन्हीं में आप गलतियां करते हैं कि विभत्स क्या है भयानक क्या है। देखो विभत्स में जो अस्थाई भाव है या जुगुप्सा या घृणा है, मतलब ऐसी परिस्थिति देख लो जहां पर आपको उसको देखकर घृणा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। फिर भी जीवन में अगर देखा जाए अनेक विद्वान इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, ठीक है, किसको? घृणा को, कि हृदय में घृणा नहीं होनी चाहिए। लेकिन घृणा तो हमें आ जाती है कभी कभी, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी चीज से। तो यहां जो बात कर रहा कि जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां तथा वस्तुएं कम नहीं है जीवन में, किसी के भी जीवन में। अतः घृणा का अस्थाई भाव जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से क्या करता है, पुष्ट होकर आस्वाद हो जाता, तो वहां रस की निष्पत्ति होती, वो विभत्स रस होता। जैसे सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, यह किसी युद्ध का वर्णन है, महाभारत भी समझ सकते हो। खींचत जीव ही श्यार अति ही आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोदी खोदी कह मांस उपारत, स्वान अंगुरीन काटी काटी कह खात विदारत। मतलब किसी युद्ध में मरे हुए सैनिकों के लाशें पड़ी हुई है, वहां पर उन लाशों पर सिर पर कौवा बैठा दोनों आंख निकाल के खा रहा है। अगली चीज खींचत जीव ही स्यार, मतलब स्यार का अर्थ जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, भेड़िया सियार, वो जीभ को, सौ के जीभ को खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। अति ही आनंद उर्धारत, और उन्हें उन जीभों को खींचने में बड़ा आनंद आ रहा है। गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, जो गिद्ध होते हैं पक्षी, वो उन सैनिकों के मांस को खोद खोद कर मांस निकाल रहे हैं। अगली चीज स्वान अंगुरीन काटी काट के, जो कुत्ते हैं वो अंगुलियों को काट काट के खा रहे हैं, सौ को इधर उधर बिखेर रहे हैं। अब ये जो दृश्य पूरा वर्णन किया गया, इस दृश्य को आप सुन के मन में कैसी एकदम घृणा उत्पन्न हो गई। इस टाइप से अगर आपको दृश्य, यहां दृश्य सामने नहीं, सिर्फ वर्णन है काव्य के माध्यम से, फिर भी मन में घृणा आपके उत्पन्न हो गई, तो ऐसे जहां पर आपको उदाहरण मिलेंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जुगुप्सा या घृणा अस्थाई भाव होगा। और हालांकि ये जो वर्णन है, ये राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं, उनके मन में जो चीज उत्पन्न होती है वह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हालांकि युद्ध की भी परिस्थिति हो सकती है, शमशान घाट में तो चलो मुर्दे एक आध जला दिए गए, लेकिन ये युद्ध की परिस्थिति को ज्यादा उपयुक्त बता रहे। अगली चीज है अद्भुत रस, यथा नाम अद्भुत, यानी अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में अस्थाई भाव विस्मय उत्पन्न कर देता, और यही विस्मय जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से परिपुष्ट होता है तो वहां रस की निष्पत्ति होती, वह रस आपका अद्भुत रस होता। जैसे अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। सुना होगा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के ये वचन है, क्या बोलते हैं कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, ठीक है, जमीन मेरे पांव के नीचे जब पाताल को लोग देखते हैं, मुट्ठी में तीनों काल देख, तीनों काल मेरे मुट्ठी में है, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं। सुना होगा ना, तो ये जो वर्णन पूरा का पूरा है ये किसका है, इसको देखने के बाद तो अनुभूत जो होगी, मतलब सब कुछ विस्मय करने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला जो आपका रस आएगा वो क्या होगा, शांत रस, ठीक है, आपको शांति का परिचय देना है। शांत रस में अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना, संसार और जीवन की नश्वरता का बोध एक ही चित्त में एक प्रकार का विराग उत्पन्न होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसी अवस्था आती है जब मन करता है संन्यास धारण कर ले, ठीक है, संसार की मोह माया को त्याग दें और किसी हिमालय की कुटिया में आराम से इस दुनिया की मोह माया से दूर होकर क्या किया जाए, भगवत भजन किया जाए, वहीं बचा कुचा जीवन कट जाए। ऐसे जब आपके मन में कभी भी सोच उत्पन्न हो,
ठीक है, जब मनुष्य के अंदर भौतिक चीजों से नफरत पैदा हो जाती है और वह इन सारी संसार को मोह माया को छोड़कर कहीं अलग भटकने की कोशिश करता, तो वहां पर जो संचारी भाव आपका होगा, जो रस होगा, वह रस शांत रस हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सुतवानी दाती जानी स्वार्थ ना कर करो नेह सबहिते, मतलब सुत मतलब लड़के बालक ये सारे लोग हैं, ये सभी क्या है, स्वार्थ के लिए है, इन सभी से नेह नहीं करना चाहिए, इन सभी से स्नेह नहीं करना चाहिए, प्रेम का कोई भाव ही नहीं। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू ना तजे आभिते, अंत में ये सभी आपको छोड़ देंगे, तू इनको नहीं छोड़ रहा। अब नाथे हैं अनुराग जाग जड़, अब आपके जो नाथ हैं वो कौन है, भगवान ही है। त्याग दुर्दशा जीते, मतलब ये जो दुर्दशा है इसको छोड़, इससे जीत पा। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते, तुलसीदास कहते हैं कि ये कभी भी काम वासना बुझ नहीं सकती, इसकी जो अग्नि है यह विषय भोग नामक घी से लगातार जलती रहती है। ठीक है, तो संसार को यहां पर क्या है, त्यागने की बात कर रहे हैं, लेकिन त्यागना तो इतना आसान नहीं होता है ना। तो यहां पर जो बताई गई है चीजें कि आपको कहीं अलग भक्ति रस की अनुभूति यहां पर होगी, कि भगवान की शरण में चलना चाहिए, दुनिया के मोह माया का परित्याग कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वात्सल्य। वात्सल्य में अगर देखा जाए तो जहां नन्हे मुन्हे बालकों की किलकारियों का वर्णन हो, ठीक है, जहां प्रेम का वर्णन होता है, यहां प्रेम दूसरा है। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव, ठीक है, का वर्णन होता है। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बालकांड में, ठीक है, वात्सल्य रस की सुंदर व्यंजना दृष्टव्य है। वात्सल्य रस अस्थाई भाव वत्सलता या स्नेह है, जैसे ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, किलकत कान घुटरन वन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरि बे धावत कबहु निरख हरि आप छाहकु कर सो पकरन चाहत किलक हसत राजा द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अहु गावत। अब यहां पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण जब छोटे हैं बाल्य अवस्था में हैं तो किलकत कान घुटरन वन आवत, मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं, मतलब श्री कृष्ण छोटे हैं और घुटनों के बल पर चल रहे हैं, ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत, मतलब अपनी ही परछाई को वो नंद के आंगन में पकड़ने को दौड़ रहे हैं। बालक यही तो करते हैं, छोटे बच्चे अपनी ही परछाई के पीछे दौड़ते रहते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकरन चाहत किलक हसत राजय द्वय दतिया पुनि पुनि अवगावत, ठीक है, वो जो है पकड़ने की चेष्टा करते बार बार और फिर हंसते हैं। तो ये जो पूरा वर्णन है ये वात्सल्य रस का जन्म देता है। यहां हृदय में जो भाव उत्पन्न होगा वह बच्चों के प्रति अनुराग प्रेम इन सबका उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो आपका अगला रस बचेगा, इसके अलावा भी तो बहुत सारे रस हैं, ठीक है, एक रस इसको भी पढ़ना है जिसके बारे में हमने बात किया था, भक्ति रस को। अब भक्ति रस हमने शांत रस को पढ़ा, शांत रस के बाद भक्ति रस आता। भक्ति रस और शांत रस में अंतर है भैया, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। शांत रस जहां निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, दुनिया से मोह माया कहता है छोड़ दो, वहीं भक्ति रस ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है। अब ईश्वर जो है विषयक रति अलग है और भक्ति रस अलग है, ठीक है, जिसके वो शांत रस अलग है, इसका स्थाई भाव जो यही है, भक्ति रस का भक्ति ही स्थाई भाव है। आगे बात करते हैं, भक्ति रस के पांच भेद होते हैं, शांत प्रीति प्रेम वात्सल्य और मधुर। हालांकि अब से इन भेदों के बारे में नहीं पूछेगा। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थाई रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित है, इस दृष्टि से भक्त रस्य मान्य है, हम सभी के अंदर होता है, ठीक है, जो घर वाले हमें
शुरू से जैसे संस्कार देते हैं कि भैया आज मंगलवार है, भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आज सोमवार है, ठीक है, भगवान शिव का व्रत है, सामान्य समय चल ही रहा, ठीक है, कोरोना सब चौपट कर दिया, नहीं तो इतने भंडारे होते थे, ठीक है, इस बार तो ज्येष्ठ माह का भी भंडारा सब छूट गया। ये सब जो है, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भंडारों के बारे में बड़ी आस होती है, ठीक है, कि भले ही एक ही दिन का खाना स्वयं से ना बनाना पड़े। यहां पर देखिए, जैसे एक उदाहरण आपके सामने लिखा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि हमारे सिर्फ वो गोपाल हैं, गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, ठीक है। मीरा के बारे में वर्णन किया गया है कि साधुन संग बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, ठीक है, कि यहां पर जो वर्णन है कि गिरधर गोपाल को पति के रूप में मान लेने पर मीरा लोकलाज सब छोड़कर साधुओं के बीच में घूम रही है, ठीक है। तो यहां पर भक्ति रस का भाव है, यहां ईश्वर विषयक रति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो जो बात हम किए थे वो दूसरी थी, शांत रस दूसरी थी, वो अनुराग की आपको वैराग्य की ओर ले जाएगा, ये वैराग्य की ओर नहीं ले जाता, ये ईश्वर में प्रेम दिखाता है, ईश्वर विषय के प्रति हमारे हृदय में भाव क्या है उन चीजों को दिखाता है। और वो क्या दर्शाता है, वो जो है भक्ति रस आपको एकदम शांत अवस्था में पहुंचा दे, वो दूसरी चीजें हो जाती है, इसीलिए इसको यहां मान्यता दी जाती है और माना भी जाता है, ठीक है। इसका अस्थाई भाव आपका भक्ति ही होता है। अब यहां पर कुछ चीजें और उदाहरण मैंने लिख दी हैं, ठीक है, जैसे श्रृंगार रस है, अस्थाई भाव प्रेम है, मतलब एक तरीके से नजर डालते हैं रिवीजन के तौर पर, इसका अस्थाई भाव रति या प्रेम है। इसमें संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार दो भेद हैं। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, ठीक, सोह करे भौहन हसे दैन कहे नती जाए। ये आपके बिहारी की जो है रचना है कि बतरस लालच लाल की, श्री कृष्ण बार बार मुरली को लेकर के माता से मांग रहे और माता ने वो जो है मुरली उनकी छिपा दी है और बार बार माता से बोलते हैं कि वह मुरली मुझे दे दो, लेकिन मां मना कर देती है। अगला इसमें जो है अगर देखा जाए वियोग श्रृंगार, वहां पर अब इसमें दो विभेद कर दिया, संयोग और संभोग दो को कर दिया है, ठीक है, बिहारी की रचना है। वियोग श्रृंगार देखे जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे, जब मथुरा से चले आए, ठीक है, ये तो वहां पर ये आता है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा जिसमें हम वियोग को एक साथ पढ़े थे, इसमें दूसरा भी भेद करें, जो विप्रलप जो है विप्रलप श्रृंगार होता है, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, ये तुलसीदास ने लिखी है लाइनें कि जब से श्याम चले गए तब से हमेशा, ठीक है, पावस ऋतु हम पर रहती है, पतझड़ की ऋतु हमेशा रहती है, क्योंकि नयनों से हमेशा अश्रु की बरसात होती है। आगे बढ़ते हैं, हास्य रस अस्थाई भाव हास है, जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, किसी का वर्णन हो रहा कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट तक तो वो ढोल नगाड़े वाले होते नहीं, आपस में साज मिलाते हैं, घंटा भर आलाप, 1 घंटा तक आलाप किया उन्होंने, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथरसी की यह रचना है कि एक जो है प्रेम प्रताप जब मंच पर बैठते हैं तंबूरा लेकर, तो 1 घंटा आलाप करते, 15-20 मिनट सब अपना अपना जो है राग मिलाते, तब तक श्रोता जन भाग जाते हैं। अगली चीज है तीसरा करुण रस, इसका जो अस्थाई भाव होता वह शोक होता, शोक विकल सब रोम हिरानी, रिप सुल बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बारंबारा। राजा दशरथ की मृत्यु का वर्णन है, ठीक, यहां पर ये तुलसीदास कृति आपकी लाइनें हैं, करुण रस का यहां पर क्या है वर्णन किया गया है। आगे है वीर रस उत्साह नामक स्थाई भाव, जैसे आपने पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की लाइनें हैं। अब इसको जब आप पढ़ोगे तो वीर रस उत्साह रस आएगा आपके अंदर, उत्साह आएगा, और वही चीजें क्या है। अगला है रौद्र रस क्रोध नामक स्थाई भाव, क्या है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सीलू अपना भ्यूल कर कर तल युगल मलने लगे, देखे संसार अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, ठीक है। जब श्री कृष्ण ने
अर्जुन को उपदेश दिया, उसके बाद अर्जुन उठते हैं कि आओ अब निपट लेते हैं। तो यहां रौद्र है, क्रोध उनके मन में उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भयानक रस, जहां भय नामक अस्थाई भाव हो। जैसे उधर गरजती सिंधु लहर या कुटिल काल के जालों से, वाह वाह क्या लाइन है, चली आ रही फेन उगरती फन फैलाए ब्यालों सी। जयशंकर प्रसाद जी की लाइनें हैं कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु की जो लहर है वो गरज रही है। क्या वर्णन है, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। मतलब सिंधु नदी ऐसे बह रही है जैसे ब्यालों सी फन फैलाकर क्या कर रही, लगातार सामने बढ़ रही है। तो यहां जो वर्णन किया गया यह भय दर्शाएगा। आगे है विभत्स रस, जो जुगुप्सा या घृणा कर दिखा दे। जो मैंने अभी आपको बताया कि सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकारत, खींचत खींचत जीव बही स्यार अति ही आनंद वृधारत। अब ये जो है पढ़ोगे तो मन में तो कुछ ना कुछ तो गुदगुदा आएगा कि गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगूरीन काटी काटी के खात बिदारत। अब ये जो है भारतेंदु की रचना है, ठीक, और यह किसका वर्णन है, ये शमशान घाट का वर्णन इन्होंने किया है। लेकिन यहां जो चीजें स्थितियां बताई जा रही उस अनुसार आपके मन में घृणा उत्पन्न होगी। अगला है अद्भुत, जिसका स्थाई भाव आश्चर्य विस्मय है। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखुमातु, चकित भई गदगद भजन बिकसत दृगो पुल कातु। यहां जो लिखा गया है कि अखिल भुवन चर अचर सब, सब कुछ चर और अचर पूरा का पूरा यह संसार हरि मुख में लखुमातु, जब भगवान के मुख में माता देखती हैं चकित भई गदगद वचन, वो आश्चर्यचकित हो जाती है। विकसित दृग पलुकात, वो उस दृश्य को सारी देखकर वो विस्मय में पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं शांतरस, समय निर्वेद, जिसका स्थाई भाव है, या बैराग या वितराग बोल सकते हो। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, हे मन ये जो तन है ये कागद का पुतला है, लगे बूंद बिनसी जाए छिन्न में गर्व करे क्या इतना। ठीक है, मतलब अगर इसमें बूंद लग गई तो इसका विनाश हो जाएगा क्षण भर में, इस पर गर्व क्यों कर रहे हो। अब ये कबीर की लाइनें हैं, ये सम है, निर्वेद को दर्शा रही, आपके अंदर वैराग्य को उत्पन्न कर रही है। जो हमारी देह है ये कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दसवां है वत्सल रस, अस्थाई भाव वत्सल रति। जो पढ़ा अपने सुर की लाइनें कि किलकत कान घुटरमन आवन, मनिमह कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े वे आवत। ठीक है, अब यहां जो चीजें चल रही है कि भगवान कृष्ण छोटे हैं नंद के आंगन में क्या कर रहे, जय कन्हैया लाल की हो रही है। आगे बढ़ते हैं भक्तिरस, भगवत विषय रति आपके अंदर उत्पन्न हो जाए कि राम जपू राम जपू राम जपू राम रे, घोर भव नीर निधे नाम निज नाव रे। तुलसीदास ने लिखा है कि हे पागलों राम जपो राम जपो राम जपो। ठीक है, क्योंकि घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, वो भाव सागर की नहीं है, यही नाव पार आपका नाम पार कराएगी। तो याद रखना आगे कि राम जपु राम जपु राम जप भाव रे, और आगे घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं इसके आगे, अगले आपके पॉइंट पर, अगले चैप्टर पर, जो होगा अलंकार। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।